Hello students, today we will do the worksheet 3 of unit 11.

और ऐसे ही अगर कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन है तो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ये फॉर्मलाज उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके ही बने हैं जैसे हमारा प्रॉफिट था ना एस पी माइनस सी पी तो अगर हमें एस पी फाइंड आउट करना है तो हम सी पी को इस तरफ ले गए तो इस तरफ लेके गए तो सी पी प्लस का हो गया तो हमारा एस पी फाइंड आउट हो गया कि एस पी का फॉर्मुला पी प्लस एस पी मतलब प्रॉफिट प्लस सी पी सिमिलर लॉस में ओके okay, तो यही फॉर्मूलाज हमारे इस वर्कशीट में यूज होंगे वर्कशीट uh, इसका सम वन है जैसे कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द कॉलम्स ऑफ सेलिंग प्राइस कि हमें यहाँ पे इसको फिल करना है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है जैसे देखो हमें इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन था और प्रॉफिट गिवन था तो जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन होता है तो उसको प्लस करके सेलिंग प्राइस निकलता है ना तो फिफ्टी एट और एट को प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ गया सिक्सटी सिक्स ऐसे ही अगर कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन था कॉस्ट प्राइस लॉस गिवन होता है तो सब्ट्रैक्शन हो जाती है तो सेलिंग प्राइस निकलता है मतलब एटी फाइव में से इलेवन गया तो हमारा आंसर आ गया सेवेंटी फोर सेम ऐसे ही है इसके अदर पार्ट आफ्टर दिस नेक्स्ट सम सम टू ऑफ दिस वर्कशीट सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें इनको सोल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या वन है अ शॉपकीपर परचेज साड़ी परचेज मतलब खरीदना मतलब सीपी की सीपीओ का साड़ी दे दिया थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव एंड सोल्ट इट एट अ गेन ऑफ और उसको बेच देता है कितने गेन गेन मतलब प्रॉफिट पे कितने प्रॉफिट पर नाइनटी रुपी के प्रॉफिट पे तो फाइन द सेलिंग प्राइस अब सीपी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है तो क्या लिखेंगे सीपीओ फा साड़ी गिवन था फर्स्ट से आप फॉर्मुलाज मैंशन कर देंगे देन सीपीओ फसाड़ी प्रॉफिट गिवन था जब सीपीओ और प्रॉफिट गिवन हो तो एसपी का क्या फॉर्मूला हो जाता है सीपी प्लस प्रॉफिट दोनों को ऐड कर देंगे वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन अ वॉच मेकर बॉट एन ओल्ड वॉच फॉर रुपीज फोर ट्वेंटी इतने की एक ओल्ड वॉच खरीदता है एंड स्पेंड एटी फाइव ऑन रिपेयर इतने की तो खरीदता है मतलब सीपी और इतने रुपये उस पर और खर्च कर देता है एटी फाइव ऑन इट्स रिपेयर ओके देन ही सोल्ड द वॉच एट अ गेन ऑफ और इतने गेन पर बाद में गेन मतलब इतने प्रॉफिट पे बेच देता है देन फाइंड द सेलिंग प्राइस अब कॉस्ट प्राइस गिवन ये था इतने रुपए उसने और खर्च करे हैं तो ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना सो फर्स्टली सीपी ऑफ एन ओल्ड वॉच गिवन था स्पेंड ऑन रिपेयर इतना तो टोटल सीपी हमारा हो गया तो दिस इज द टोटल सीपी अब प्रॉफिट गिवन था सिक्सटी का सीपी दे दिया प्रॉफिट दे दिया तो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मुला हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट मतलब फाइव हंड्रेड फाइव प्लस सिक्सटी वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल परचेज स्टोरी बुक फोर रुपीज टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इतने की स्टोरी बुक खरीदता है परचेज मतलब सीपी तो सीपी दे दिया आफ्टर रीडिंग इट ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड एट अ लॉस ऑफ इतने रुपए लॉस पर वन ट्वेंटी लॉस पर बेच देता है देन फाइंड द सेलिंग प्राइस हमें फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिज फ्रेंड ना मतलब उसके फ्रेंड ने उसको कितना अमाउंट दिया मतलब uh, राहुल ने कितने का बेचा कितने का सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस निकालना है अगेन सेम सीपी गिवन था लॉस गिवन था तो जब सी पी और लॉस गिवन होता है तो एसपी का फॉर्मूला सीपी माइनस लॉस तो माइनस कर देंगे वैल्यू आ जाएगी सो यू हैव टू कंप्लीट द सम वन ऑफ दिस वर्कशीट इन योर बुक एंड सम टू इन योर फेयर नोट बुक थैंक यू